तो गूगल पे बहुत सारी गलत जानकारी है आपके बारे में जैसे आपके घर का नाम है सोनू हाँ गूगल बताता है सानू वो भी गलत है सोनू बोलती थी मम्मी जब आपने बोला ना अभी बेलन से पिटाई होती तो कहती थी मर जाना कितने गया सोनू उसको बेलन से मैंने बहुत मारना है वो हाँ तो मम्मी ठेढ़ पंजाबी हिमाचल से उनको हिंदी भी नहीं आती इंग्लिश भी नहीं आती उनको हिमाचल गगल एयरपोर्ट के पास मेरे मामा रहते हैं चिंतपूर्णी देवी है उसकी जब नीचे जाते हैं उधर मामा रहते हैं हमारे तो बहुत मारा मम्मी ने आएंगे उस पर भी आएंगे <laughs> और पापा पापा हम लोग वो कश्मीर से रहना वाली एक जगह बट जब शादी हुई तो फिर मुरादनगर आ गए थे एक डिस्ट्रिक्ट गाजी आबाद वो मुरादनगर छोटा सा कस्बा है तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई थी तो शादी की वजह से आ गए थे या नौकरी की वजह से नहीं वो आर्मी में थे तो उनका ट्रांसफर फिर इधर हो गया था मुरादनगर पहले कहाँ थे मुरादनगर से पहले मुरादनगर में ही सब लोग रहे वो जो गवर्नमेंट के क्वार्टर होते थे सारे वो सरकारी क्वार्टर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जी क्या बनाते थे वो पूरा जितना आपका हैंड ग्रेनेड हो गया पूरा जो मिलिट्री के जो टैंक होते थे तो उनका कोडिंग करते थे पापा वो और बड़े वाले भैया भी मुकेश है ना भैया भी उसी में थे hmm. तो इम्पोर्टेंट घर में था वो रहनावाड़ी में था पापा की साइड का मम्मी साइड हमारी हिमाचल थी बट वो थोड़ा सा एरिया खराब है वो तो काफ़ी मिलिटेंट रहते थे तो कभी जाने दिया नहीं पापा ने वहाँ पर तो मैं बहुत गया कश्मीर अपनी फैमिली को लेके भी तो वो एरिया में हमेशा मना किया कि वहाँ नहीं जाओगे आप तो बहुत सारे जो कश्मीरी ब्राह्मण है सब इधर आगे कोई यूपी में है कोई हर जगह आप देखेंगे डॉक्टर्स हैं सारे लोग और आप इतना आप देखते हो सारा भी तो उधर जाने का भी दिया ही नहीं उन्होंने कुछ हुआ होगा तो पापा को लगा होगा बेटा उधर सेफ नहीं है कुछ था सा, बहुत साल पहले जब नाइनटी में हॉस्टल गया उससे पहले छुट्टी होती थी वो एल मिलती थी ट्रेन का वो जो टिकट बोलते थे वो तो उधर कभी गए नहीं वो हम जाते थे अपना या पंजाब चले गए या कभी बनारस या कभी लखनऊ तो वैसे रहनावाड़ी में जो कश्मीरी पंडित रहते थे वो काफी तो कतलेआम हुआ था ने टारगेट किया प्रताड़ित किया और सबको छोड़ के आना पड़ा अपना घर तो जब भी मैं जम्मू कश्मीर के लिए काम भी कर रहा था इलेक्शन का उन्होंने हेड भी बनाया था उससे पहले मैं एकेडमी का काम कर रहा था वहाँ पे एम्बेसडर थे इलेक्शन अभी बनाया था उन्होंने गवर्नर साहब ने उससे पहले मैं एक सिन्हा साहब ने मुझे एक अच्छा इनिशिएटिव के लिए पूछा गया कि आप वहाँ बच्चों के लिए मैं करना चाहता हूँ पहली अकेडमी आई वॉन्ट टू डू इट इन जम्मू एंड कश्मीर कि मुझे पता है वहाँ बच्चे बहुत टैलेंट हैं मैं तो कभी वहाँ पैदा नहीं हुआ लेकिन वहाँ से बहुत टैलेंट आया है वो चाहे वो डोमेस्टिक सर्किट हो या इंटरनेशनल सर्किट हो या फिर आई हो कि उनका जज्बा बहुत अच्छा था नहीं तो वो बच्चे जितने भी हैं या तो राइट में बैट बॉल रखा है या लेफ़्ट में ए फोर्टी सेवन रखी तो इजी ऑप्शन उनके पास लेफ्ट वाला था जो पत्थर भी स्टोन स्टोन करते थे वो जो भी वो बताते थे सारे लोग पर मैं चाहता था वो बैट बॉल चुने क्योंकि वहाँ का यूथ बहुत स्ट्रॉग है वहाँ का यूथ बहुत अच्छा है ये आपको उन बच्चों ने बताया नहीं जो वहाँ का लोकल मैंने पूरा होमवर्क किया फिर बाद में मुझे भी थोड़ा ऐसे लगा कि नहीं हो पाएगा वो कि थोड़ी आबादी वो चाहते नहीं थे कि मैं वहाँ काम करूँ तो फिर वो ड्रॉप किया मैंने आइडिया फिर इंडियन आर्मी के साथ मैं अभी टच में कौन नहीं चाहते थोड़ा थोड़ा डिटेल लोकल होंगे उनके एसोसिएशन के लोग कि वहाँ का जो उनका दबदबा बना है मैंने उनको बोला मुझे कुछ फीस एक इंटरनेशनल रेप्यूट का क्रिकेटर आके वहाँ अकेडमी खोल रहा है जिससे बच्चों को मौका मिलेगा ये वहाँ के लोकल मठाधीश ने उन्होंने मना कर दिया कि आप इधर नहीं कर सकते फिर मेरा जब साइन भी किया सर ने पूरा बोला जो आपको दो ठो खोलने ना पांच ठो खोलो ये लेफ्टिनेंट तो गवर्नर मनोज सिन्हा मनोज सिन्हा साहब ने बोला लाइसेंस था सब कुछ सब जो लोकल अथॉरिटी थी या उनको लगता था तो मैंने जहाँ पर इतना कुछ करने के बाद क्योंकि मैंने ट्रेवल बहुत किया लॉकडाउन में बहुत गया मैं उधर पूरा रेकी करके कोई बच्चे रैनावाड़ी से आ रहे थे तो जब सुरेश शाना में से फर्स्ट प्लेयर था एज ए कश्मीरी पंडित जो इंडिया का कप्तान बना था पहले विवेक राजदान सर खेले थे तो पापा बोलते थे उनके बच्चों में भी टैलेंट है आप कोशिश करिए वहाँ के बच्चों को लेके आओ अभी उमरान मलिक बहुत अच्छा कर रहे हैं आप देखेंगे उसके बाद अभी हैदराबाद टीम में अपना अब्दुल समद वो बहुत अच्छा कर रहा है वो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है एक जम्मू का ही रहना कोई प्लेयर है लेफ्ट ही विकेट कीपर बैट्समैन वो बहुत अच्छा कर रहा है तो टैलेंट बहुत है वहाँ पर क्योंकि जब आप पाँच किलोमीटर चढ़ते हो पानी लेने सब पहाड़ से जाते हैं वहाँ खाना भी देखोगे जो भी उनका जो डाइट है वो सब पहाड़ पे जाते हैं पानी लेके नीचे आना तो उनका जज्बा और उनकी जो मानसिक ताकत है ना वो बहुत स्ट्रांग है सौरभ भाई तो वहाँ के बच्चे बहुत डिजर्व करते हैं खेलने के लिए देश हो या डोमेस्टिक हो पर जम्मू कश्मीर की टीम अभी अच्छा कर रही है तो देखते हैं अभी आगे कुछ करेंगे प्लान तो आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को अप्रोच किया था या उनकी तरफ से कोई प्रपोजल सिन्हा साहब ने पूरा मेरा सब साइन हो गया था पेपर सारा चीज़ बट जम्मू में कुछ लोग का अलग एजेंडा था कश्मीर में लोग चाहते थे कि उनका ही कोई लोकल हो जो पहले से ही कर रहा है तो आपको पता है वो एसोसिएशन कैसी होती है जब फिर मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है फिर बीच में थोड़ा इंसिडेंट भी हुआ कुछ हो कुछ ऐसे डल लेक पे कुछ टेररिस्ट भी आ रहे थे कुछ हो रहा था वो एक्टिविटी तो मुझे लगा सेफ़ नहीं तो है द आई हैव टू गो बैक डली आया मैंने फिर पापा को कहकर कोई बात नहीं फिर यूपी में प्लान करेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे जो पीके का मैं देख रहा था उसका भी वही ड्रीम है तो मैं और प्रवीण साथ में ही कुछ करेंगे अच्छा <laughs> आपने वो वाला गेस्ट इन द न्यूज रूम देखा देखा बहुत मजा आया वो पीके को मैंने बोला भी वो कि उसका भी वही ड्रीम था पैसे किसी बच्चे से लेना नहीं है वो ऊपर हाँ। वाले ने दिया है सबको लेकिन जब हम खेलते थे हमें पैसा देना पड़ता था वो दस हजार रुपये मेरी एक साल की फीस थी स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की तो मेरे पापा वो अफोर्ड कर सकते थे नहीं तो दस हज़ार तो उनकी तनख्वाह थी महीने की पांच भाई थे एक बहन थी तो कैसे चलता करो तो मैंने एक साल तो मैनेज कर सकते हैं वो